पुस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। तकनीक के साथ जमाना तेजी से बदल रहा है। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर है। बड़े से बड़े ब्रांड का फोकस AI पर है। हर कोई इस AI के जंग के मैदान में अपना बेहतरीन योद्धा उतारना चाहता है, चाहे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के ChatGPT की या गूगल के BARD की। हाल ही में गूगल ने गूगल IO 2023 में AI को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। क्या है AI को लेकर गूगल का नया प्लान, क्या है पूरी खबर बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। अल्फावेट CEO सुंदर पिचाई ने गूगल IO 2023 इवेंट की शुरुआत ही AI से की। इवेंट में गूगल ने बताया कि किस तरह से AI आने वाले दिनों में यूजर्स के इंटरनेट यूज के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अपने एनुअल इवेंट में कंपनी ने BARD को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इस AI चैटबॉट का इंतजार लोगों को लंबे वक्त से था। इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट का ChatGPT बेस्ड नया Bing, जिसमें तमाम सुविधाएं मिलती है। Bing और ChatGPT को टक्कर देने के लिए गूगल ने जनरेटिव सर्च और BARD लॉन्च किया है। गूगल के AI पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको Bing क्या है ये बता देते हैं। Bing Chat ChatGPT से एक कदम आगे है। Bing रियल टाइम में इंटरनेट पर सर्च कर सकता है, हालांकि रियल टाइम में गलत जानकारी मिलने का भी खतरा बना रहता है। ज्यादातर केस में Bing हर जवाब का सोर्स भी बताता है। इससे आपको सहूलियत मिलती है कि आप हर जानकारी की सटीकता से जांच कर सकें। अब आइए गूगल के AI प्लान पर। गूगल यहाँ रुकना नहीं चाहता है, कंपनी ने इससे आगे की भी प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेमिनाई की, जो गूगल के AI वर्ल्ड का फ्यूचर प्लेटफॉर्म होगा। अब आपको BARD और गूगल में क्या अंतर है इसके बारे में बता देते हैं। BARD गूगल के लैंग्वेंट मॉड्यूल PaLM 2 पर बेस्ड है, जबकि जेमिनाई इससे आगे की कहानी लिखेगा। इसमें यूजर्स को मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज मिलेंगी, जो इससे दूसरे से काफी आगे पहुंचा देगी। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में इसके बारे में बताया है। कंपनी ने लिखा, हम जेमिनाई पर काम कर रहे हैं। हमारा अगला मॉडल ग्राउंड से मल्टी मॉडल तक होगा, जो API इंटीग्रेशन और टूल्स में बहुत प्रभावी होगा। इसका इस्तेमाल मेमोरी और प्लानिंग जैसे फ्यूचर इनोवेशन में किया जा सकेगा। ये प्लेटफॉर्म अभी ट्रेनिंग फेज में है, लेकिन इसकी मल्टी मॉडल क्षमताएं सामने आ चुकी है। टेस्टिंग और फाइल ट्यूनिंग के बाद कंपनी से विभिन्न साइज और कैपेबिलिटीज के साथ लॉन्च करेगी। अब सवाल आता है कि क्या जेमिनाई ChatGPT और Bing AI से बेहतर होगा। अगर ChatGPT की बात करें तो ChatGPT सिर्फ एक टेक्स्ट मॉडल है। ChatGPT की मदद से आप न तो तस्वीर क्रिएट कर सकते हैं, न ही ये तस्वीरों को समझ पाएगा। वहीं जेमिनाई मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज के साथ आएगा, यानी इस पर कई काम किए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट, कोड और इमेज जनरेट और रीड दोनों कर सकेगा। इसका मतलब है कि जेमिनाई का इस्तेमाल बेहतर और बड़े स्तर पर किया जा सकेगा। कुछ ऐसा ही Bing का भी हाल है। Bing में आपको इमेज क्रिएट के लिए अलग लिंक मिलता है, लेकिन चैट के ऑप्शन में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर जेमिनाई ये दोनों फीचर्स एक साथ लाता है, तो ये दूसरों से आगे निकल जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब जेमिनाई लॉन्च होता है और क्या वाकई ये ChatGPT और Bing को टक्कर दे पाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।